तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पनीर के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आपको पनीर पसंद है या अगर आपको पनीर नहीं पसंद है तो आपके लिए तो ये वीडियो परफेक्ट है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पनीर के कुछ बेनिफिट्स हम ज़रूर जानेंगे। तो दोस्तों हम सब रात में सोते हैं और सुबह जागते हैं, तो जब हम जागते हैं ना तो हमें हमारे ब्रेकफास्ट में एक न्यूट्रिशनल मील चाहिए होता है। और मेरे हिसाब से पनीर जो एक चीज़ है ना, पनीर आप अगर ब्रेकफास्ट में कंसिडर करते हैं तो पनीर की सबसे खास बात यह है कि वो न्यूट्रिशियस है, और दूसरी चीज़ आपको एक फुलर फील देता है अंदर से। मतलब आप काफ़ी टाइम तक, आपको काफ़ी लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी। और एक तरीके से देखा जाए तो जो दिन की शुरुआत का पहला मील होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ न्यूट्रिशियस होना चाहिए और एक हैवी मील होना चाहिए, तो पनीर आप ब्रेकफास्ट में कंसिडर कर सकते हैं। पनीर को हम एक तरीके से एक फुलर मील भी बोल सकते हैं, बिकॉज जब आप पनीर खाते हैं ना तो आपको लंबे टाइम के लिए भूख नहीं लगती, आप काफी लंबे टाइम तक फुल फील करते हैं। पनीर आपकी बॉडी में जो आपके फीलिंग हॉर्मोन्स होते हैं ना, जो गुड और हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, उसको इंक्रीज करता है और आपको एक हैप्पी इमोशन प्रोवाइड करता है। पनीर से आपके इमोशंस भी अच्छे होते हैं। पनीर में प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन प्रोटीन के अलावा पनीर में फैट, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, जो पनीर को और ज्यादा हेल्दी बनाता है। और दोस्तों अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है ना जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या जिसको डायबिटीज है, तो वहां पर आप पनीर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज पनीर में ओमेगा 3 भी प्रेजेंट होता है। और पनीर जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करता है, ब्लड रेगुलेशन अच्छी करता है, और वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी अच्छी चीज है। इस वीडियो में हमने पनीर के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक थम्सअप देके जाइएगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।